Asma Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. Mumbra का सबसे बड़ा beauty parlor जहां आपको professional और certified beautician द्वारा hair and skin treatment provide की जाएगी. Asma Beauty Parlor and Institute. Special offer, buy one get one service free. Rush! Admission started for beautician and makeup artist courses at Asma Beauty Parlor and Institute, जो कि professional certified training institute है. Mehndi classes are also available. गैस का दाम कितना हो गया, पेट्रोल का दाम कितना हो गया? मोदी सरकार क्या कर रही है, महंगाई पे महंगाई, हम लोग गरीब लोग कहाँ जाए? लोग जो है गाड़ियाँ छोड़ के अभी साइकिल पे आ गए हैं. पब्लिक ऐसे ही परेशान है, घर घर में लोग तकलीफ में है. इसमें कहाँ से लोग पैसे लाएगा, उसके ऊपर से महंगाई. ऐसा माहौल मैंने 32 साल में कभी नहीं देखा, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ. मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम. इस समय मौजूद है मुमरा के शिमला पार्क के पास पेट्रोल पंप, वीरानी पेट्रोल पंप के पास, और आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर हाथों में गैस सिलेंडर लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. दरअसल आज कांग्रेस पार्टी ने मुमरा रेलवे स्टेशन से शिमला पार्क पेट्रोल पंप तक बढ़ते कीमत, जो डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस की जो कीमतें हैं, वो जिस तरह से मोदी सरकार में जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है पूरे भारत में कहीं ना कहीं आंदोलन इसके खिलाफ कर रही है. और आज मुमरा शहर में भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है, तमाम कांग्रेस के जो है पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. जिस तरह से केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने झूठे वादे करके जो अपने सत्ता पे बैठी है, आज तक उन्हें कुछ काम किया नहीं. जो भी काम किया सब बढ़ाने का ही काम किया, लोगों की तकलीफ बढ़ाने का ही काम किया. आज तक आज आप लोग विरोध प्रदर्शन तो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन जो है आपके ठाणे शहर अध्यक्ष यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ना आपके यहाँ जो नईम खान है वो नजर नहीं आ रहे हैं. देखिए, हमारे जो ठाणे जिला अध्यक्ष विक्रम चौहान साहब है, उनकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है, इसके लिए वो आ नहीं सके. बाकी उनको हमें पूरे मार्गदर्शन, हमें उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं. और रहा सवाल नईम खान भाई का वो तो हम लोग से आधे रास्ते में गए, हम लोग आगे आ चले. आधे रास्ते से गए जी, आधे रास्ते, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं, उसके लिए चल नहीं सकते. हमारे ब्लॉक अध्यक्ष है, टोटल हमारी टीम टोटल टीम हमारे कॉर्पोरेटर से लेके सिलपाटा से लेके वहाँ से टीम, तीनों ब्लॉक की हम लोग टीम यहाँ पे आ रहे हैं. मोतीराम भाई, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार महंगाई किस तरह से बढ़ रहा है, कांग्रेस लगातार इस पर विरोध कर रही है, लगभग हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आज आप लोग भी यहाँ पर बढ़ती कीमतों को लेकर जो है रस्ते पर उतरे हैं? अब मैं बोलने से अच्छा आपको भी मालूम है कि गैस का दाम कितना हो गया है, पेट्रोल का दाम कितना हो गया है, तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं. आम सब पब्लिक को मालूम है कि बजट सबसे ज़्यादा हो गया है पेट्रोल और गैस का, तो उसके महंगाई के लिए हम लोग मोर्चा निकाले हैं कि कम हो जाए, क्योंकि हमारे से ज़्यादा गरीब है जिसको बहुत तकलीफ हो रही है जनता को. आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर भी हैं, लेकिन उसके पहले एक महिला है, एक गृहिणी है जी. तो जिस तरह से रसोई गैस खास तौर पर बढ़ा है, किस तरह का इस पे असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है. सारी महिलाएं हमारे पास आके विनती कर रही है, मैडम ये हमारी मोदी सरकार क्या कर रही है, महंगाई पे महंगाई, हम लोग गरीब लोग कहाँ जाए. 400 रुपये का 300 रुपये का बाटला खरीदते थे सिलेंडर, अब वो दाम हो गया 800 रुपये 900 रुपये, कैसे पकाना मुश्किल हो गया, लकड़ियाँ जला रही है घर में. ये बहुत ही सही बात है, हम लोगों ने देख चुके हैं. मैं कांग्रेस की सेक्रेटरी हूँ, मैं थाना जिला की, तो इसके लिए मैं सारे महिलाओं की, जो हमारी गरीब महिलाएं गरीब जनता है, उन लोगों की सबकी तरफ से ये हमारा रिक्वेस्ट है कि ये महंगाई कम की जाए. मोदी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, महंगाई को कम करना चाहिए, पेट्रोल के दाम डीजल के दाम सारे कम करने चाहिए. लोग जो है गाड़ियाँ छोड़ के अभी साइकिल पर आ गए हैं, उन लोगों को भी प्रॉब्लम है जाने आने के लिए. गाड़ियाँ एकदम जंग खा गई है, घर में पड़ी हुई, कैसे पेट्रोल खरीदेंगे, कैसे क्या करेंगे, क्योंकि कामकाज बंद है. ये जो पेंडेमिक ईयर चल रहा है जो कोविड का, तो इसमें कहाँ से लोग पैसे लाएंगे, उसमें ऊपर से महंगाई. तो इसके लिए सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए और लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध करनी चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है. क्या कहेंगे आप महंगाई को लेकर? महंगाई के मैं ये बोलना चाहूँगी, 2 साल से तो कोरोना, लॉकडाउन,
ये बंदी वो बंदी चालू है। पब्लिक ऐसी ही परेशान है, घर घर में लोग तकलीफ में है, इतनी परेशानियां उठा रहे, आदमी काम को रोजी रोटी से परेशान है, उसके बावजूद अभी ये पेट्रोल का दाम इतना हो गया 100 के ऊपर और गैस का बाटला इतना ऊपर हो गया है, 900 के ऊपर हो गया है। तो मैं तो ये चाहूँगी सरकार से, अब हम तो ये चाह रहे कि कांग्रेस पार्टी पूरी दुनिया में फैले और हमारे सब गरीब लोगों का मतलब सब अच्छा हो जावे। और मैं ये चाहूँगी कि गरीब लोग अभी इस वक्त इतने परेशान हैं, मैं तो अभी आज कितने साल 30-32 साल ये लाइन में हो गया है, ऐसा माहौल जो 2 साल में आया ऐसा माहौल मैंने 32 साल में कभी नहीं देखा, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ।